विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं पवार पंचायत में और पवार पंचायत के पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी। आइए हम जानते हैं 2 साल 2 महीने के कार्यकाल में इन्होंने अपने पंचायत को कहाँ तक विकास कर पाया है। मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने प्रतिनिधित्व तो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मैं इनके पंचायत में भी गया था, घूमा देखा, काफी तारीफ सुनने को मिला। जिससे भी हमारी बात हुई उन लोगों ने बताया कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर भी मैं रूबरू कराऊंगा, जानना चाहूंगा सात निश्चय योजना और बहुत सारी योजनाओं के बारे में क्या कहते हैं मुखिया प्रतिनिधि। तो समृद्धि न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है आपका। और चूंकि आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मुखिया की टोटल जिम्मेवारी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रतिनिधि पे होती है, और आपने बखूबी निभाया है उसको, बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो सात निश्चय योजना बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, ये योजना आपके अनुसार कैसी योजना है? तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो मैंने वोट के राजनीति करके पूरे पंचायती एक को बर्बाद करने का काम किया। साथ नीचे जो है नल और जल, नल और जल, आप सोचिए कि नल जल अभी वहाँ आकर सकुआ में उद्घाटन किए थे, जाकर आज स्थिति देख लीजिए, वहाँ एक भी पाइप नहीं है, यदि टंकी नहीं है, तो वो तो योजना फ्लप्स कर रही है, फ्लप्स कर गए। फिर भी हम लोग उस योजना को माने लगे हुए हैं, कर रहे हैं। उससे अच्छा मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी माने इसी पैसा को, मान लीजिए एक वार्ड में 50-50 लाख का एस्टिमेट बना है, हमारे वार्ड में बना, हमारे पंचायत में माने कोई वार्ड है बड़ा वार्ड जो 50 लाख का, 48 लाख का एस्टिमेट बना है, बताइए 48 लाख में यदि 100 या 125 घर का वार्ड होता है, उसमें एक को चापाकल और मोटर दे दिया जाता है तो गरीब लोग अच्छा से पानी पीते। मान लीजिए सात नीचर योजना वो दिए हैं, टंकी बन रहा है, टंकी कौन चलाएगा, वो मोटर को स्टार्ट कौन करेगा, उसका किसका वो जिम्मेवारी दिए हैं। बहुत सुंदर। अच्छा मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे ये जो आपकी पंचायत है, इस पंचायत में टोटल गांव कितने आते हैं? टोटल गांव तो जैसे बड़ा गांव 2 गो है, पवार हो गया, पंचायत हुआ, कनेक्ट हो गया, 2 गांव हो गया, और बाकी छोटा छोटा मेरे वार्ड 9 वार्ड का मेरा पंचायत, टोटल 9 वार्ड। 9 वार्ड। कितने वार्ड चयनित किए गए? वार्ड आपको चयन किया गया है अभी 3 और 4 वार्ड में काम चल रहा है? नहीं, 3 वार्ड में काम चल रहा है। कारण क्या? जैसे कि वो फंड नहीं आ पाया है या एस्टिमेट अभी तो फंड नहीं है, फंड समाप्त। अच्छा मुखिया जी, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा हर घर में शौचालय लगाने की बात चल रही है, बहुत सारे पंचायत और ये भी हो गए हैं, बहुत सारे घरों में शौचालय बन भी गए हैं, सुलभ शौचालय की व्यवस्था स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत चल रहा है कि हर घरों को हम शौचालय देंगे, शौचालय बनवाएंगे, इसमें आपकी पंचायत की क्या स्थिति? मेरी भी पंचायत माने चल रहा है, एक दो वार्ड माने पूरा हो गया, ओडीएफ हो गया। कितना परसेंट अभी तक शौचालय बन चुके हैं? माने 80% बन गया। मुखिया जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की भावना को समझना आपका काम होता है, चूंकि मुखिया की जिम्मेवारी आपने लिया है कि जो प्रतिनिधि का काम ही होता है कि टोटल जिम्मेवारी अपने सिर पर ले लेना, तो आपने 2 साल 2 महीने में अभी तक आपने कहाँ तक विकास कर पाया अपने पंचायत, क्या क्या किया आपने? विकास करने का बात है, पहले भी हम मुखिया थे, दो बार 2001 से मैंने मुखिया था। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये है कि पिछले बार भी आप मुखिया थे और इस बार भी आपके निर्देश पे लोगों ने आपका साथ दिया और आपको मुखिया प्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया। जाहिर सी बात है कि आप तीसरी बार हैं, तो तीसरी बार है तो एक बहुत बड़ा विश्वास की बात है, क्योंकि जनता जिस पे विश्वास करती है उसी को ये जगह देती है। तो आप एक मुखिया प्रतिनिधि है, लोगों की आस्था विश्वास आपसे जुड़ी हुई है, तो आपने और भी बहुत सारे काम कराए होंगे, आपके पास बहुत सारी योजनाएं आती थी, पहले भी आई थी, आपके साथ मनरेगा वगैरह की भी व्यवस्था थी, तो आपने क्या क्या कराया अपने पंचायत में? हम तो पहले बहुत सारी विकास का कार्य किया हूँ, जैसे कि साथ में के था, पंचम था, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अति था, पूरा टोटल हम लोग को फंड समाप्त कर दिया, कोई फंड नहीं, उसमें 14वां में से 20% था, पंचम में से 20%
टोटल 7 नीचे कर दिए और उस पर आपको मालूम होगा मेरी संघ केस भी लड़ी थी हैं, जो जबकि 7 14वां बीता है, केंद्र सरकार पैसा देता है। आप मनरेगा से भी कुछ काम? मनरेगा से माटी को काम होता है। आप क्या कर रहे हैं? बहुत आहार खुलवाए हैं, कहा कराहा भी बनवाए, मैंने उड़ाही करवाए हैं। चलिए बहुत सुंदर। मुखिया जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की समस्या जानना, लोगों की समस्या सुनना आपका काम है। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती होंगी, आपके अंदर दर्द होता होगा कि ये मेरी जनता है, काश मैं इस समस्या का समाधान कर पाता, काश ये पावर मेरे पास होता, हमारे ये अधिकार होते। तो ये सारी चीज अपने इस फीलिंग को अपने ध्यान रखते हुए सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को जो मुखिया का मैंने जो पंचायती एक्ट लागू हुआ था, सरकार ने जो किया था जी, तो वो तो नीतीश कुमार समाप्त ही कर दिए। मुखिया का बहुत मैंने सेवा करने का पावर था, मुखिया पेंशन रिक्रूटमेंट कर पेंशन देते थे गरीब लोगों को। मैंने मुखिया ही जो है वो निचला स्तर है, इसीलिए पंचायती एक्ट बना था कि नीचे से नीचे के ही स्तर जो है पंचायती पंचायत के लोग अपने काम को, कौन जरूरी काम है कौन समस्या है उसको निदान करें। तो सारी जो पेंशन थी, छात्रवृत्ति लोगों को लाटा को बांटना था, बहुत बहुत सारी मुखिया लोग का मैंने सारा चीज को नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया, उनको आने वाला समय में। बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, ये पवार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है और 2 बार लगातार ये मुखिया रह चुके हैं। बहुत ही सुंदर, एक विश्वास सबसे बड़ी चीज है, जनता का विश्वास। जब तक जनता हम पे विश्वास नहीं करेगी, हमें बार बार चांस नहीं दे सकती है। और इन्होंने जिसे इंडिकेट किया, लोग उनको भी बनाया और आज ये मुखिया प्रतिनिधि है, इसके पहले मुखिया थे, और खूब सुंदर व्यवस्था के तहत इन्होंने काम किया। सरकार को इन्होंने सुझाव भी दिया कि ये जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी ही नहीं, पूरी व्यवस्था जो हम लोग आदर्श पंचायत बनाने का वादा किए थे जनता से, ये धूमिल होते नजर आ रहा है, क्योंकि मुखिया का हाथ कट चुके हैं। जो वगैरह वगैरह अनर्गल चीजों में पैसा बर्बाद हो रहा है, जैसे कि हर घर में नल का जल की जैसे बात मुखिया जी ने बताया, किससे ज्यादा बढ़िया होता कि हर घर में चापा कल लगा दिया जाता और मोटर की सुविधा दी जाए। तो इससे कम पैसे कम लागत में सारे लोग सुखी से रहते और अच्छे से रहते और तारीफ भी करते। तो इन सारी चीजों पर इन्होंने अच्छा ध्यान दिया। जनता से भी बहुत माने शर्म लगता है पंचायत में घूमते हुए कि मुखिया है, आज अधिकार कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ऐसा करना बता देना चाहिए था कि हाँ इस तरह से अब के बार मैंने मैं कानून में संशोधन करूंगा। तो चुनाव करा कर इस तरह का नीतीश कुमार की वो अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत किया है। मुखिया जी काफी दर्द भरी आवाजों में अपनी कथा को बयान कर रहे हैं कि मेरे अधिकारों को छीना गया, ये कतई उचित नहीं है। हम लोगों ने वादा किया था अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का, लेकिन हमारे हाथ बंध चुके हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था रहेगी, ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा रहेगी तो किसी भी ढंग से किसी भी पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। समृद्धि न्यूज़ चैनल सरसों की बारी, कैमरामैन राजा के साथ, थैंक यू।